भारत को जिन्होंने नई पहचान दी, जिन्हें योद्धा सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत की सहिष्णुता और हिंदुत्व में जो ताकत है उसको दुनिया के सामने रखने का काम ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया और भारत की ओर देखने का दुनिया का नजरिया उन्होंने बदल दिया। युवाओं को वो कहते थे, स्वामी जी कहते थे कि मैं ऐसा मानता हूं कि मंदिर में जाने की जगह फुटबॉल के ग्राउंड पर जाकर खेलो, क्योंकि भारत माता को इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है जो मन से और शरीर से सुदृढ़ हो। कहते थे अगर भारत माँ को हम माता मानते हैं, उसको देवी मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो फिर उसके सामने नौजवानों ने अपनी कुर्बानी देनी चाहिए, अपना समय देना चाहिए, अपना त्याग देना चाहिए। और जब नौजवान त्याग देंगे, जब नौजवान ये मानेंगे कि हमें इसको बदलना है, तभी हम भारत को बदल पाएंगे। स्वामी जी के विचारों ने कई लोगों को प्रभावित किया। आज देश के प्रधानमंत्री ये सार्वत्रिक रूप से मानते हैं कि उनके जीवन को अगर किसी के कारण दिशा मिली होगी तो वो स्वामी विवेकानंद जी के कारण मिली है। स्वामी जी ने 125 साल पहले जो विचार रखे थे आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आज भी देश को अगर बलशाली बनाना है तो इन्हीं कुंठाओं से हमको लड़ना पड़ेगा, इन्हीं कुप्रथाओं से हमको लड़ना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीजें हैं तब तक स्वामी जी का विचार ये चिरंतन होगा और भारत को एक विश्वगुरु के पद पर आसीन करने का जो सपना हम हजारों वर्षों से देखते हैं, उस सपने की ओर अगर हमको जाना है तो स्वामी जी के विचार ही हमको ले जा सकते हैं।